So, hey guys, welcome back to my blog channel. कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी अच्छा हूँ. तो कल रात मैं है यहाँ सोया था, होटल के रूम में ही हूँ अभी. और अभी नहा धो के तैयार हुआ हूँ और देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से. आधे घंटे में फिर मार्केट घूमूंगा थोड़ी सी. मेरे को एक टी शर्ट लेनी है, जूते लेने हैं और फिर शूट की लोकेशन के लिए निकलेंगे. तो देखते हैं. और आपको मैंने बताया नहीं था मैं दिल्ली आया क्यों हूँ. तो मैं दिल्ली इसलिए आया हूँ कि मेरा है शूट. मैंने अपना एक तो पर्सनल पोर्टफोलियो करवाना है क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी है एज ए मॉडलिंग एंड एक्टिंग के लिए. एंड दूसरा मेरे को एक GTV की एड मिली है. 30 सेकंड की एड है बट ठीक है, स्टार्टअप तो ऐसे ही होगा. एक GTV HD भी आएगा वो एड जो मैं करूँगा अब. एंड तीसरा कि मेरे को 2 अमेजोन के प्रिंट शूट के मिला है. अमेजोन प्रिंट शूट मिला है तो amazon.in पे जो मेरी प्रोफाइल दिखाई जाएगी वो. सो इसलिए मैं दिल्ली आया था. सो अभी टाइम कुछ 8:30 का हुआ पड़ा है और मेरे को स्टूडियो पहुंचना है लगभग 12 बजे करीब. सो देखते हैं. अब तो मार्केट जाऊंगा, मार्केट जाके एक टी शर्ट और जूते लेने हैं वो लूंगा, फिर जाएंगे स्टूडियो. तो मिलते हैं आपको सीधा मार्केट में या चेकआउट करते हुए होटल से. तो बाय. मेरे बाल भी अभी गिले पड़े हैं, नहा के सीधा निकला और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये काम भी जरूरी है. तो मिलते हैं आपको. बाय. लेट है आप. कैसे कैसे की क्या क्या बता सकते हैं भाई. सो अभी होटल से चेकआउट करके अभी टी शर्ट वगैरह लेने आया हूँ. टी शर्ट लूँगा और जूते लूँगा फिर अपन शूट लोकेशन पे पहुँचेंगे. एंड अब मार्केट घूम रहे हैं, आपको दिखाते हैं मार्केट घूम रहे हैं. तो ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं उस टाइम पब्लिक प्लेस में फ्लॉग कर रहा हूँ तो इग्नोर करना सब कुछ. तो गाइस मैंने टी शर्ट तो अभी ले ली है और अब जूते देख रहा हूँ कितने कैसे मिलेंगे. तो फिर निकलते हैं अपने शूट लोकेशन के लिए. और सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ खाने पीने के लिए भी देखेंगे. तो पहले जूते देखते हैं मेरे को खाने पीने के लिए. और आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को डर है यार मेरे फ़ोन की बैटरी लो ना हो जाए. डर भी और ब्लॉग भी शूट करना तो मैं खाने. तो देखते हैं कैसे क्या होगा. तो बाकी चलते हैं आप जूते देखने. तो जूते अभी ले लिए हैं, अब चलते हैं शूट लोकेशन पे. आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं दिखा पाया, उस टाइम कैमरा ऑन ही नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाई. तो जूते अभी ले लिए हैं, चलते हैं अपन शूट लोकेशन पे. ठीक है भाई. तो निकलते हैं शूट लोकेशन पे भाई. अब मेट्रो स्टेशन जाते हैं, नियर मेट्रो स्टेशन, उसके बाद शूट लोकेशन पे पहुँचते हैं. फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ होगा. और मैं अपने से अभी से ही अपनी शक्ल गंदी बनाए बैठा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा देखता हूँ कुछ करते हैं. तो निकलते हैं. तो गाइस अभी मेट्रो में जाने की तैयारी है और मास्क लगा लिए है. आप करना पड़ेगा. चलो तो मेट्रो में चढ़ के आपको दिखाते हैं. मार्केट से निकल के आपको लोकेशन पे जा रहे हैं. अब मेट्रो में जा रहे हैं तो देखते हैं कैसे क्या. काफ़ी टाइम बाद सफ़र कर रहा हूँ, सारा चीज़ें इन्होंने चेंज कर रखा है. तो गाइस अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो का वेट कर रहे हैं. देखते हैं पहले राजीव चौक जाना पड़ेगा. राजीव चौक से सुल्तानपुर के लेके मेट्रो. तो पहले राजीव चौक चलते हैं फिर लेते हैं मेट्रो. तो चलो पहुँचते हैं मेट्रो आने का वेट करते हैं. और आई थिंक से हमारी मेट्रो आज भी है. सो अभी पिछले 20-25 मिनट से ही मेट्रो अंदर जाके देखते हैं कैसे क्या रहेगा. थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है जैसे जैसे देख जा रहा हूँ. बाकी तुम्हारा भाई तुम्हें पता फाड़ देगा. तो निकलते हैं. मैं बार बार मास्क लगा. तो मिलते हैं आपसे लोकेशन पे जाके.
A few moments later. क्लोज हो गई है मेट्रो वापसी सुल्तानपुर ना जाके वापसी जहाँ से हमारे वहीं वापसी लेके जा रही है पता नहीं क्या सीन है समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूँ मैं तो देखते हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे अब नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के पता करेंगे सुल्तानपुर की कहाँ मिलेगी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है जो मेरा शूट का टाइम है ऑलमोस्ट हो चुका है तो देखते हैं अब क्या होगा कैसे होगा क्यों कब होगा तो चलते हैं फिर देखते हैं तो चलते हैं गाइस शूट लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ हालत बिल्कुल बुरी हुई पड़ी अब अंदर जाते हैं स्टूडियो पे देखते हैं कैसे क्या कुछ रहेगा सो चलते हैं अब अंदर और थक चुका हूँ हालत बिगड़ी हुई है देखते हैं कैसा जाएगा सो मिलते हैं अंदर जाके आपको बाय ए फ्यू मोमेंट्स लेटर Later. इस चीज का सो गाइज अभी मेरा प्रिंट शूट हो चुका है एंड मेरा एड को भी शूट हो चुका है बाकी रह गया पोर्टफोलियो के मैंने चेंज किया और ये जो मेरे मुंह पे मेकअप लगाया है भाई कसम से काफ़ी इरीटेट हो रहा हूँ मैं इस चीज़ से और मैं अपने आप को देख भी नहीं पा रहा हूँ देखते देखते में क्या करें काम तो करना पड़ेगा तो मोदी जी पिछले 15-20 मिनट से मेरे को एक ही बात कह रहे हैं समझ रहे हो आप मैं इरिटेट हो रहा हूँ कसम से यार अजीब सी फीलिंग आ रही है बट काम है करना पड़ेगा सहना पड़ेगा धीरे धीरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आप एक बार कमेंट में ये जरूर बताना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ ओके एंड अभी कुछ टाइम बाद पोर्टफोलियो करवाएंगे अपना पोर्टफोलियो में 3 ड्रेसेस चेंज करनी है फर्स्ट तो मेरी ये रहेगी मैं बाकी आपको फोटो डाल दूंगा साथ में कि जिस ड्रेस में मैं पोर्टफोलियो करवा रहा हूँ फर्स्ट मेरा ये रहेगा दूसरा मैं टी शर्ट के ऊपर ब्लेजर डालूंगा क्योंकि मेरे को फॉर्मल कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है पता नहीं क्यों मैंने कुछ डालता हूँ मैं बहुत रेयर चांस होता है कि मैं फॉर्मल कपड़े डालता हूँ तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो क्योंकि उसमें मैंने कभी भी फॉर्मल कपड़े नहीं डाले बहुत रेयर चांस है कि मैं फॉर्मल कपड़े डालता हूँ सो अभी देखते हैं क्या कुछ होएगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा अजीब भी नर्वसनेस मेरी रही अजीब सा भी फील हो रहा है क्योंकि सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ देन कुछ कह नहीं सकते पहले मैंने शूट निकाले हैं एक दो शूट निकाले मैंने डांस ही निकाले हैं मैं जैसे पीछे डांस का कोरियो करवा दिया एंड पीछे डांस कोरियो तो खैर मेरे को नहीं आता ज़्यादातर मैं थोड़े बहुत ही स्टेप बता सकता हूँ जो मैं खुद नहीं कर सकता बट सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये स्टेप इसमें इस बीट पे डाल दे तो अपन अच्छा कर सकते हैं सिर्फ सजेशन बाकी मेरे को अच्छा डांस नहीं आता मैं खुद कहता हूँ और दूसरी बात रही कि मैंने एक आध शूट मैंने निकाला है डांस पीछे करके वो भी भजन स्टार्टिंग मेरी पहली वीडियो थी जो वो भजन आया था कुछ शिव की बारात करके काफ़ी अच्छा भजन है और नाम तेरा चंदन जैसा बोले मैं चंदन का लेप लगाऊं ये दो भजन थे जिनमें मैंने स्टार्टअप किया अपना सो स्टार्टअप भी मेरा भगवान के नाम से हुआ है मेरा एंट्री इंडस्ट्री में भगवान के नाम से हुआ है तो उसकी कृपया से और आप लोगों के प्यार से शायद मैं और भी आगे जाऊं सो इस शूट को मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूं और इस मेकअप से काफ़ी इरिटेट हो रहा हूं बट सहना पड़ेगा सह लेंगे थोड़ा सा मेरे लिए आप लोगों के लिए अब यूँ ना बोलना हमारे लिए क्या सहेगा आप मेरे से प्यार करते हो तो आप लोगों को भी सहना पड़ेगा मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को खुशी मिलेगी मेरे घर वालों को खुशी मिलेगी मेरे चाहने वालों को खुशी मिलेगी सब मिलते हैं आपको कुछ देर बाद में बाय
सो गाइस अभी पोर्टफोलियो शूट हो रहा है स्टार्टअप मेरा फर्स्ट एड्रेस अब ये रहेगा मैं आपको कंप्लेंट करके दिखा देता हूँ तो करते हैं स्टार्ट पोर्टफोलियो बाय We'll be right back.